दस क्लास का ये त्रिकोणमिति है, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5वां के चौथा, और ये सवाल जो है बीएम यानी कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 1 + sec a / sin² a / 1 - cos a, यानी कि हमको सिद्ध करना है 1 + cos a / sec a / sin² a / 1 - cos a, इसको लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS मानेंगे, 1 + sec a / sec a। अब यहां पर त्रिकोणमितीय सर्वसामिता का उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, इसको तोड़ देंगे, यानी कि 1 + sec a का फॉर्मूला होता है 1 / cos a, और फिर sec a का फॉर्मूला होता है 1 / cos a, यहां पर एक मान लेंगे। तो अब एक और cos a का एलसीएम लेंगे, तो एक और cos a का एलसीएम होता है cos a, एक में cos a से भाग लगाएंगे cos a, cos a को एक से गुना करेंगे cos a। अब यहां पर देख रहे हैं कि प्लस का चिन्ह है, फिर cos a में cos a से भाग लगाएंगे, एक बार में कटेगा, एक को एक से गुना करेंगे एक, और बटा में 1 / cos a। अब इसको क्या करेंगे, भागा से इसको गुना में बदलेंगे, यानी कि cos a प्लस 1 / cos a, cos a को ऊपर कर देंगे और एक को नीचे कर देंगे, cos a और cos a कट जाएगा, क्यों ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, तो cos a प्लस 1 / 1, cos a प्लस 1 को 1 से भाग लगाएंगे cos a प्लस 1, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि cos a प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 + cos a, क्योंकि cos a भी प्लस में 1 भी प्लस में, इससे पहले 1 को लिखेंगे, दोनों प्लस में है, पहले 1 को लिखेंगे 1, और ये प्लस cos a, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को मैंने हल किया तो हमको प्राप्त हुआ 1 + cos a। अब राइट हैंड साइड को हल करेंगे, RHS = sin² a / 1 - cos a। तो फिर त्रिकोणमितीय सर्वसामिका का प्रयोग करेंगे, साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है 1 - cos² a। अब यहां पर देखते हैं कि अगर यहां पर घात 2 लगा देते हैं और एक को 2 बार गुना करते हैं, यानी कि एक का स्क्वायर करते हैं, एक का वर्ग करते हैं, तो एक इकाई एक करने से कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं होती है, इसलिए यहां पर एक पर घात 2 कर दिया, cos स्क्वायर a, यहां पर हमको एक सूत्र मिल गया, फॉर्मूला मिल गया a² - b², क्योंकि ये बड़े बूढ़ों की कहावत होता है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, उसी तरीके से यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे कि हमको फॉर्मूला भी मिल जाए और मेरा मैथ सिद्ध भी हो जाए, बटा में 1 - cos a, तो a² - b² a² - b² यहां पर देखिए a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b * a - b, तो इसको a मान लिया a प्लस, इसको मान लिया b, a + b, और ये हो जाएगा a - b और बटा में 1 - cos a, ऊपर नीचे है कट जाएगा 1 + cos a। तो यहां पर हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को मैंने हल किया तो 1 + cos a, राइट हैंड साइड को मैंने हल किया 1 + cos a, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, देयरफॉर यानी इसलिए LHS = RHS प्रूव दैट